आज के इस वीडियो में हम बताएंगे जियो पस लाइट से आप जियो पस प्लस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अगर आपका पास जियो पस लाइट का आईडी पहले से है और आपको जियो पस प्लस का आईडी लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं आसानी से। इसके लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है आपका, तभी आप जियो पस लाइट से पस प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना जरूरी है। और आपको जियो कंपनी की ओर से आधा घंटा से एक घंटा के अंदर में आपके मोबाइल पर मैसेज के थ्रू जियो पस प्लस का आईडी भेज दिया जाएगा। ये तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको जियो पस लाइट को ओपन कर लेना है। आपका जिस भी मोबाइल नंबर से जियो पस लाइट पर रजिस्ट्रेशन किया है उस मोबाइल नंबर को डाल के लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको जियो पस प्लस के आईडी के लिए आपको सिंपली थ्री लाइन पर यहां क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद यहां अपग्रेड एंड अर्न मोर पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका जरूरी है, सब यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो लोड मिनिमम अमाउंट बता रहा। तो अब मेरा ये न्यू आईडी है, इसमें हम एक बार भी बैलेंस ऐड नहीं किए हैं, इसीलिए हमको बता रहा है कि फर्स्ट बार आपको यहाँ पर कुछ भी मतलब जियो पार्टनर बनने के लिए आपको थोड़ा बहुत अमाउंट ऐड करना होगा। तो चलिए हम दूसरा आईडी से दिखा देते हैं आपको कैसे अपग्रेड किया जाता है। उसमें हम अमाउंट ऐड किए हैं और उसमें करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा दूसरा आईडी है, इसमें बैलेंस ऐड किए हैं और रिचार्ज भी किए हैं। तो चलिए हम इसका आपको हिस्ट्री भी आपको चेक करके दिखा देते हैं। देखिए हम ये सब रिचार्ज किए हैं, ये सब लोड मनी किए हैं इतना। अगर आपका जियो पस लाइट का न्यू आईडी है और आप उसमें रिचार्ज नहीं किए हैं कभी तो आपका उससे जियो पस प्लस का आईडी नहीं मिल। और बिना रिचार्ज किए हुए जियो पस प्लस का आईडी आप कैसे लेंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। तो आपका पुराना आईडी है तो इससे आपको जियो पस प्लस में कन्वर्ट करना है तो आपको सिर्फ थ्री लाइन पर यहां क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहां अपग्रेड एंड अर्न मोर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा, जिसके नाम पर सिम है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। और ईमेल आईडी आप दिए होंगे जब जियो पस लाइट का आईडी क्रिएट कर रहे थे उस टाइम दिए होंगे, उस ईमेल आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आधार नंबर मांग रहा है, यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर। तो चलिए हम यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देते हैं। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड को अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड फ्रंट व्यू, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको आधार कार्ड का फ्रंट साइड अपलोड कर लेना है। जहाँ भी आपके मोबाइल पर है आपको इस तरह से खोज के अपलोड कर लेना है। देखिए फ्रंट साइड आधार कार्ड अपलोड हो रहा है, देखिए अपलोड हो गया है सक्सेसफुली यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बैक साइड अपलोड करने के लिए बोल रहा है, अपलोड बैक व्यू, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और आधार कार्ड जहाँ भी है आपके मोबाइल पर वहाँ से खोज के आपको बैक साइड का अपलोड कर देना है। तो देखिए बैक साइड भी यहाँ अपलोड हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर डालने के लिए बोल रहा है, तो चलिए हम यहाँ पर पैन नंबर डाल देते हैं। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पर पैन कार्ड को अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करके पैन कार्ड को अपलोड कर देते हैं। जहाँ भी आपके मोबाइल पर है आपको यहाँ पर क्लिक करके पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए पैन कार्ड भी अपलोड हो रहा है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर पैन कार्ड भी सक्सेसफुली अपलोड हो। उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना हो चुका है। उसके बाद आपको इस पर टिक नहीं करना है, आपको इसी तरह रहने देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका लोकेशन देखिए ऑटोमेटिक इस तरह से लेगा, तो आपको यहाँ पर अलाउ पर टिक करना है यहाँ। उसके बाद आपको यहाँ पर डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर लोकेशन ऑटोमेटिक ले लेगा, देखिए यह मेरा लोकेशन ले चुका है। तो यहाँ पर आप हाउस नंबर डाल सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर आपको हाउस नंबर डाल देना है, यहाँ स्ट्रीट एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आपका यहाँ इधर ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको देखना है कि सही है तो सही है, तो आपको यहाँ कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करना है।
कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जनरेट पर क्लिक करना है, जनरेट ओटीपी पर। तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है। तो देखिए मेरा मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है, तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो देखिए थैंक यू फॉर साइन अप विद जियो पोस्टलाइट, तो यहाँ पर साइन अप हो गया है सक्सेसफुली। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर डन पर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल पर जियो की ओर से एक घंटा या आधा घंटा के अंदर यूजर आईडी और पासवर्ड जियो पास प्लस का भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप जियो पास प्लस का आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद आपको इंटेलिजेंट हब को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करके आपको जियो पास प्लस को इंस्टॉल करना है, तभी आपका जियो पास प्लस का आईडी लॉगिन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर दे दिए हैं, आप उस वीडियो को देख के आप फर्स्ट बार लॉगिन कर सकते हैं और जियो पास प्लस को इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमारी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में कर दें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।